गाइज मुझे काफी बताते हुए और आपको जान के ये खुशी होगी कि इंडिया ने अपना खुद का एक एंड्रॉइड टाइप का ओएस तैयार कर लिया है जिसका नाम है भैरोस। इसकी स्पेलिंग अगर देखा जाए दोस्तों तो BHAROS है। कुछ लोग इसको भार ओएस कह रहे हैं और कुछ लोग इसको भैरोस कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला दोस्तों कि ये इंडिया में कहां पे तैयार किया गया है, किस कंपनी ने तैयार किया है और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, कब लॉन्च होगा और आपके मोबाइल में कैसे ये इंस्टॉल किया जा सकता है और ये कैसे काम करता है और एंड्रॉयड से ये कितना अलग ओएस है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गूगल के एंड्रॉइड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों एंड्रॉइड बहुत ही पुराने समय से काम कर रहा है हमारे मोबाइल में और ये दोस्तों बहुत ही तरीके से सिक्योर भी नहीं है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। जैसा कि आप भी अपने लाइफ में कभी न कभी एक एंड्रॉइड मोबाइल तो जरूर लिया होगा और आप देखे होंगे तो कोई न कोई प्री इंस्टॉल ऐप उसमें मिल जाते हैं जो कि आपके काम के रहते भी नहीं है और वो अनइंस्टॉल हो भी नहीं पाते हैं, अननेसेसरी आपके स्पेस जो है कि घेरे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भार ओएस जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ आप जो ओएस इंस्टॉल करना चाहेंगे वही इंस्टॉल होगा और ये ओएस जो है दोस्तों आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, आपकी कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आप अभी कोई एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्रोम पे कुछ सर्च करें, कोई न्यूज सर्च करें तो आप देखते हैं एक बार सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपके पास कई न्यूज आती रहती है या फिर आप क्या सर्च कर रहे हैं, उसके कौन से मोबाइल लेना चाहते हैं वो सारी जानकारी जो है कि वो दूसरी कंपनियों को बेचती रहती है, गूगल उससे पैसा कमाती है और जो है कि कंपनियां आपको जो है कि एक से एक ऑफर देती रहती हैं और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कुछ यहाँ पे लुटेरे भी रहते हैं जो कि आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं, कुछ ऐसे मैसेज भी भेजते हैं। ये सारी प्रॉब्लम एंड्रॉइड के साथ बहुत ही लंबे समय से आ रही है। लेकिन दोस्तों अब भारत में ऐसा नहीं चलने वाला है और इंडिया में दोस्तों अब जो कि भार ओएस आ गया है तो ये जो है कि सब कुछ कंट्रोल कर देगा, ये काफी ज्यादा सिक्योर है और ये मेड इन इंडिया है, ये आपको जान के काफी खुशी होगी। IIT मद्रास ने इसको जो है कि डेवलप किया हुआ है। अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे इसके कब लॉन्च किया जाएगा तो IIT मद्रास ने अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं दिया हुआ है कि इसको कब लॉन्च किया जाएगा और कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसकी पुष्टि जो है कि IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ऑलरेडी कर दिया है कि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया और बहुत ही ज्यादा सिक्योर भी है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड से ये कितना अलग है तो ये एंड्रॉइड से दोस्तों बहुत ही अलग है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको एंड्रॉइड कोई भी मोबाइल लेते हैं इसमें सारे ऐप डले रहते हैं, लेकिन आप जब भार ओएस के साथ अगर कोई मोबाइल लेंगे तो इसमें कोई भी ऐप नहीं डला रहेगा, आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगा पास, जैसे कि आप एंड्रॉइड में प्ले स्टोर यूज करते हैं यहाँ पे आप पास के नाम से मिलेगा, उससे जो कि आप अपना जो मन चाहा ऐप इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना है, आपको जो फेसबुक इंस्टॉल करना है, कुछ भी इंस्टॉल करना हो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सिक्योर होगा और दोस्तों अननेसेसरी आपको मैसेज भी नहीं आएंगे और वो कोई हैक भी नहीं कर पाएगा। हालांकि हैकिंग की गारंटी तो अभी कोई भी नहीं दे सकता, हैक तो सारा एप्पल भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कुछ बहुत ही अलग है एंड्रॉयड से। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो गूगल का एंड्रॉयड है ये अब तक पूरे वर्ल्ड में 70% मार्केट को कैप्चर कर रखा है और 28% एप्पल का जो है कि iOS है ये कैप्चर कर रखा है। लेकिन इंडिया ने जब से अपना भार ओएस जो कि डेवलप कर लिया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि अब इंडिया में धीरे धीरे ये हट सकता है। आप जानते हैं कि हमने अपना नाविक GPS भी एक बना लिया है, जैसे कि अमेरिका के GPS पे अब तक हम निर्धारित थे, हम उसी पे काम करते थे, हमें उसी के ऊपर रहना पड़ता था, लेकिन हमने अपना नाविक GPS भी बना लिया। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। नाविक GPS के बारे में मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस ओएस के बारे में, ये ओएस के बारे में जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और भी क्लिक करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।